जब भी आप ऑब्वियस सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे तो उसमें क्या होता है कि आपकी स्क्रीन जो है नॉर्मली जो है वो ब्लैक नज़र आती है और वो डिस्प्ले नहीं करता है, तो आपको ये बड़ी दिक्कत आती है कि इसको कैसे सेटिंग से चेंज करें। तो आइए हम आपको बताते हैं कि उसकी सेटिंग कैसे आपको चेंज करनी है। डिस्प्ले आती है तो उस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए मैं आपको आज दिखाऊंगा कि वो कैसे हम इग्नोर कर सकते हैं, तो या फिर हम अपने डिस्प्ले ला सकते हैं। तो पहले हम जाएंगे अपने प्रॉपर्टीज़ में, डिस्प्ले सेटिंग में जाएंगे। डिस्प्ले सेटिंग जो ओपन करेंगे तो उसमें होगा ग्राफिक सेटिंग। ग्राफिक सेटिंग्स में जब आप जाएंगे तो यहाँ ओबीएस स्टूडियो बना है, बट यूजुअली नहीं होता है अगर जिसके में भी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये सेटिंग किया हुआ है इसलिए यहाँ पे आ रहा है। आप इसमें क्लासिक ऐप ब्राउज़ करेंगे, ब्राउज़ करेंगे तो आप अपने सी फोल्डर में जाएंगे। सी फोल्डर में प्रोग्राम्स फाइल, प्रोग्राम्स फाइल में गए तो आप ओ बी एस स्टूडियो में जाएंगे। ओ बी एस स्टूडियो में बिन 64 बिट, उसके बाद ओ बी एस 64 को सेलेक्ट करके आप ऐड कर लेंगे। ऑलरेडी इसमें है इसीलिए वो दे शो कर रहा है कि स्पेसिफाई ऐप इज़ ऑलरेडी देयर। उसके फिर ऑप्शंस में जाएंगे, ऑप्शंस में नॉर्मली इट्स डिफ़ॉल्ट सिस्टम में रहता है, सिस्टम डिफॉल्ट्स में, बट यू हैव टू चूज़ पावर सेविंग, और उसको सेव कर देंगे। उसके बाद क्लोज़ करके आप अपने ऐप को फिर क्लोज़ करेंगे।